रोडमैप्स लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब डीआरडीओ की नाक एटीजीएम तैयार है फोर्सेस में इंडक्ट किए जाने के लिए। आज से इंडियन नेवी की पहले 3 विमेन पायलट्स को कर दिया गया है ऑपरेशनलाइज। स्वदेशी इंजन के साथ एक बार फिर से निर्भय मिसाइल को किया जा सकता है टेस्ट। एलएसी पर भारत के साथ तनाव को लंबा खींचने के लिए चीन कर रहा है एक नई तैयारी। और जियो टैगिंग वाले इशू पर भारत की तरफ से ट्विटर को जारी की गई है चेतावनी। आज 22 अक्टूबर को राजस्थान की पोखरण रेंज से डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित की गई थर्ड जनरेशन की नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक सफल यूजर ट्रायल आयोजित किया गया था। और आज का ये ट्रायल नाग एटीजीएम का फाइनल यूजर ट्रायल था। और इसलिए इस दौरान नाग एटीजीएम में एक एक्चुअल वॉरहेड को इंटीग्रेट किया गया था और फिर जिसके बाद एक डेजिग्नेटेड रेंज पर स्थित टैंक टारगेट को सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया गया। और इस ट्रायल के दौरान ये नाग एटीजीएम नमिका कैरियर BMP-2 से लॉन्च की गई थी। और डीआरडीओ की तरफ से घोषणा की गई है कि अब ये नाग एटीजीएम इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट करने के लिए तैयार है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि नाग मिसाइल का एडवांस एयर लॉन्च वर्जन यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के भी आने वाले कुछ महीनों में करीब 8 से 10 परीक्षण और किए जाएंगे। और इस स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के भी 2021 के अंत तक ऑपरेशनली रेडी होने की उम्मीद है। बाकी इसके अलावा प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाई गई कमोर्ता क्लास की चौथी और आखिरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कवरती को भी इंडियन नेवी के सर्विस में आज कमीशन कर दिया गया है। गुरुवार को रक्षा प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन नेवी की 3 विमेन पायलट्स का पहला बैच अब डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से मैरिटाइम रिकॉनसेंस मिशन में तैनात किए जाने के लिए तैयार है। और इंडियन नेवी की विमेन पायलट्स के पहले बैच में शामिल है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी। और अब ये तीनों विमेन पायलट्स इंडियन नेवी के सारे मैरिटाइम रिकॉनसेंस मिशंस के लिए ऑपरेशनली रेडी हो चुकी हैं। और इन तीनों विमेन पायलट्स को आज से साउदर्न नेवल कमांड द्वारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। और इन विमेन पायलट्स को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के कोर्सेज के साथ ट्रेन किया गया है। और हमारी तरफ से इंडियन नेवी की इन तीनों विमेन पायलट्स को मैनी कांग्रेचुलेशंस। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व लद्दाख में भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच अब चीन LAC पर तैनात अपने ट्रूप्स के लिए इन्फेंट्री वेपनरी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को तेजी से अपग्रेड करने पर काम कर रहा है, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड अपने ट्रूप्स के लिए परमानेंट बैरक्स, विंटर क्लोथिंग में अपग्रेड और साथ ही नए और प्रिसाइज बेस वेपन्स को कमीशन कर रही है। और ये इस बात की तरफ संकेत हो सकता है कि चीन सीमा पर भारत के साथ अपने इस विवाद को काफी लंबा चलाना चाहता है। और ये रिपोर्ट एक ऐसे समय पर आई है जब अभी कुछ ही दिन बाद भारत और चीन के बीच 8वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग हो सकती है। और जबकि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर चीनी ट्रूप्स की कुछ ऐसी पिक्चर्स सामने आई थी जिसमें उनके हाथ में नई QBU-191 राइफल्स दिखाई दे रही थी और जिनमें लॉन्ग रेंज वाले स्कोप भी लगाए गए थे। और इस पिक्चर को लेकर चीनी मीडिया का दावा था कि नई राइफल्स में लॉन्ग रेंज के स्कोप के साथ चीनी ट्रूप्स लंबी दूरी से भी टारगेट को प्रिसाइज तरीके से हिट कर सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हम सभी जानते हैं कि चाइना की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडास चलते रहते हैं। बाकी चाइनीज प्रोडक्ट्स की असलियत क्या है ये हर कोई जानता है। बाकी इसके अलावा जो अभी ट्विटर में जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाया जा रहा था, ट्विटर की इस हरकत को लेकर भारत की तरफ से ट्विटर को चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरीके से सोशल मीडिया पर भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह के प्रयास किए जाएंगे तो भारत की तरफ से इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही भारत ने इस तरह की हरकत को अवैध भी करार दिया है। और भारत ने ट्विटर को लेकर अपने लेटर में ट्विटर की न्यूट्रलिटी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और ये लेटर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है। खैर, ये जो इशू हुआ था इसको लेकर ट्विटर की तरफ से बयान आ गया था जिसमें उसका ये कहना था कि एक टेक्निकल इशू के कारण हुआ था, लेकिन अब उसे सही कर लिया गया है। और ट्विटर ने ये भी कहा था कि अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं यानी कि भारत और चीन के बीच, हम उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और ट्विटर का ये भी कहना है कि उनकी टीम ने इस जियो टैगिंग वाले इशू को सॉल्व करने के लिए काफी तेजी से काम किया है। शांतिपूर्ण उद्देश्य के साथ आउटर स्पेस के यूजेस और एक्सप्लोरेशन में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए भारत और नाइजीरिया के बीच एक MOU साइंड हुआ है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस MOU के तहत दोनों देशों के स्पेस डिपार्टमेंट के मेंबर्स एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को स्थापित करेंगे जिसमें वे एक साथ मिलकर टाइम फ्रेम और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आगे के एक्शन प्लान पर काम करेंगे। और इस ऑफिशियल रिलीज में भी बताया गया है कि भारत और नाइजीरिया काफी लंबे समय से एक फॉर्मल स्पेस कॉपरेशन को साइन करने की कोशिश कर रहे थे। और जबकि इसके साथ जो भारत की नई स्पेस कॉम पॉलिसी 2020 है, इसमें भारत के स्पेस सेक्टर में इंडियन प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से एक प्रावधान ये भी है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अपने कंट्रोल सेंटर्स को भारत के बाहर भी स्थापित कर सकती हैं और ओवरसीज स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस पॉलिसी के तहत भारत की प्राइवेट इंडियन कंपनीज न केवल इसरो के मौजूदा स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल कर सकती है बल्कि इसके अलावा वो फॉरेन कस्टमर्स के लिए भी नए सिस्टम्स को विकसित कर सकती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती है और उन्हें अपनी सर्विस भी सेल कर सकती है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट भारत की स्वदेशी निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर है, जिसका भी कुछ दिन पहले स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन के साथ एक टेस्ट किया गया था, लेकिन इस टेस्ट के दौरान जब मिसाइल को लॉन्च किया गया तो उसके 8 मिनट बाद ही इस टेस्ट को अबॉर्ट करना पड़ा था। और उसका कारण यह था कि इस मिसाइल में जो स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया था उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आया था। और इसी को लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक निर्भय मिसाइल के स्वदेशी इंजन में जो टेक्निकल स्नैग आया था उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी मेजर इशू नहीं है, जो इशू आया था वो काफी माइनर सा था। और आने वाले कुछ दिनों में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को स्वदेशी इंजन के साथ जल्द ही फिर से टेस्ट किया जाएगा। हालांकि निर्भय मिसाइल के इंजन के टेक्निकल स्नैग वाली जो रिपोर्ट है ये ऑफिशियली DRDO की तरफ से फिलहाल सामने नहीं आई है। बुधवार को BSF द्वारा भारतीय सीमा के पास चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान द्वारा रैकी किए जाने वाले प्रयासों को नाकाम किया गया है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक बुधवार को गुरदासपुर सेक्टर में इंडियन टेरिटरी के अंदर BSF की पेट्रोलिंग पार्टी ने एक ड्रोन को स्पॉट किया था जो कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था और वो ड्रोन इंडियन टेरिटरी के ऊपर ही उड़ रहा था। फिर BSF के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस ड्रोन पर ओपन फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन वापस से पाकिस्तान टेरिटरी में चला गया। और जबकि इंटेलिजेंस सोर्सेस ने भी इस बात की जानकारी दी है कि पाकिस्तान सरकार ने भी हाल ही में कुछ समय पहले चीन से एक बड़ी क्वांटिटी में ड्रोन्स को खरीदा था और अब पाकिस्तान सीमा पर आर्म्स, एम्यूनिशन और नार्कोटिक्स की इलीगल सप्लाई करने के लिए इन्हीं चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल इंडियन बॉर्डर एरियाज पर रैकी करने के लिए कर रहा है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।